कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के सहजादपुर गांव में 8 साल पहले एक सरकारी सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई थी ताकि वो पूरे गांव की साफ सफाई कर सके, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि वो सफाई कर्मी खुद दलित होने के बावजूद भी उस गांव की दलित बस्ती में आज तक एक बार भी सफाई नहीं किया, जिससे यहां रहने वाली अनारकली सहित 200 लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाली बनी है दुआरे पर और कोई सफा करे वाला नहीं आवता है, मच्छर काटा थे, गंदा हवा चला थी, गंदा हवा थी, इन मुहारे पर खाई पी गंदा था, मलेरिया बना था, गदेल उनका नान नान गदेल गिर जाते हैं और फिर और सफा करे वाले नहीं आवता है, हम सफा करी तो सफा होता है, नहीं कोई सफाई नहीं करे हवा। इधर क्यों नहीं आते हैं? अरे भैया हम गरीब मनाई गरीबन का ही नहीं आता ही, वो कहीं सफा कर रहे थे, इधर रैदास रहते हैं और पासी हैं उन भी हैं। जिधर वो सफाई करने जाता है उधर किस समुदाय के लोग रहते हैं? वो कहती तो मुसलमान है, पंडित हैं। उधर वो बराबर सफाई करने जाता है? बराबर सफा करे जाते। ये समस्या है यहाँ की, नाली जो बह रही है तो इसमें बहुत कीड़े आते हैं तो बीमारियां फैल जाती हैं। प्रधान साहब ये आपने कहा नहीं है, जब उनके जब घर जाए थी तो वो कहने अंदर दूरी वह बाहर हम अंदर नहीं आयो, तो अंदर बाहर से हम तुमको बुलाई थी, अब अंदर आ गए। अंदर वो क्यों नहीं आने जाने आने नहीं, देते भाई, अब चाहे जो ना आने जाने दे था उससे था। वो किस बिरादरी के हैं प्रधान जी? पंडित लोग हैं, तो वो सोचते हैं कि चमाल लोग हैं, ई पासी लोग हैं, ये अंदर न आवे, जो बड़ी जात है तो वो अंदर जा सकत। तो भेदभाव मानते हैं? तो भेदभाव मानते हैं। मैं और मेरा समुदाय ये चाहता है कि इस गांव की नियमित साफ सफाई हो। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि कड़ा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454645 75 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि यहां की नियमित साफ सफाई हो सके। मैं महेश कुमार, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।